हरियाणा के भिवानी में सर्कल इंचार्जों के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह आज पहुंचे हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आनंद अनाज मंडी में हो रहा है। काफी समय से पदाधिकारी और वर्कर्स कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि लोग सरकार से तंग आकर हरियाणा में अब बदलाव चाहते। हरियाणा में हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनेगी। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 2 लाख पदाधिकारी 15 अक्टूबर तक बन जाएंगे। जिसके पास इतना बड़ा संगठन होगा उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। ये ठीक राजनीति करते तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अन्ना को कहा था कि राजनीति गंदगी है तो हमें झाड़ू उठानी होगी। भाजपा का सफाया देश से एक दिन आम आदमी पार्टी ही करेगी। के दिलों पर राज करने वाले बिल जलाए कि नहीं जलाए? लोगों ने कई जगह इकट्ठे होकर लोगों ने बिल जलाए और चलो बिल भी भर रहे हैं लोग। 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, बिल आते हैं। और मेरे को अभी पता चला पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में। हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। हम हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करी हमने। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है। फिर जब मैंने दिल्ली में करी, कई जने बोले अरे दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो हो ही सकती है, दिल्ली तो शहर है, दिल्ली में तो हो ही सकती है। फिर जब पंजाब में सरकार बनी, 1.5 साल हुआ है भी सरकार बने, 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे पंजाब के अंदर, 1.5 साल में 24 घंटे बिजली कर दी। 1.5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, इसका मतलब हो तो सकता है इन लोगों की नीयत खराब है, या तो नीयत खराब है या करना नहीं आता इन लोगों को। हमारी नीयत भी सही है, हमारे को करना भी आता है। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए। एक ही पार्टी कर सकती है। पावर कट चाहिए तो उनको वोट दे देना, बड़े बड़े बिजली के बिल चाहिए तो उनको वोट दे देना, और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अब अगला प्रोग्राम चालू करेंगे, डोर टू डोर आंदोलन कल से शुरू होगा, घर घर जाएंगे, परिवार जोड़ो आंदोलन, पूरे एक एक परिवार के घर जाना है, जाके गांव में बतानी है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जी, आम लोग हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नहीं डरते इनसे। इनकी होंगी कोई मजबूरियां, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत करोगे तो किसी बात से काने हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई साहब। दिल्ली में राज चल रहा है, पिछली बार 67 थी, इस बार 63 है, पंजाब में 92 है, और अच्छा चल रहा है। 1.5 साल हो गया पंजाब में, 1.5 साल में 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब, 35,000, और लाखों की गिनती में प्राइवेट सब आ रहे हैं। टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़े बड़ी कंपनियां पंजाब में आ रही हैं कि हम पंजाब में अब अपना स्टील प्लांट लगाएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे सारे, क्योंकि पंजाब में पहले जब आते थे हम, जब बादलों का कैप्टनों का राज होता था, कि जब हम पहले आते थे तो एक परिवार से मिलते थे, अब जब हम आते हैं तो पंजाब से मिलते हैं।